जय दोस्तों, मैं आपका दोस्त पैराकमांडो पैराकमांडो फिटनेस अकेडमी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो है चेस्ट मेजरमेंट। आप लोगों को पता है टी आर्मी की भर्ती अगले महीना फर्स्ट वीक से स्टार्ट है। इसमें काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, सर चेस्ट मेजरमेंट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाइए। साथियों, इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, जो टी आर्मी में जो बच्चे जा रहे रैली में, तो मैं कहना चाहूंगा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 8 पास से स्टार्ट है और 12 पास तक, उसमें क्लर्क की पोस्ट है, टेक्निकल का कोई पोस्ट नहीं है, और जो ट्रेडमैन की पोस्ट है और जीडी की पोस्ट है, तीन ही पोस्ट में टिका हुआ है ये रैली। तो मैं इससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसमें जो हाइट है 160 सेंटीमीटर पूरे भारत के लिए, एक सुनहरा मौका है। 4 साल के बाद ये वैकेंसी निकला है। तो चेस्ट क्या होना चाहिए? तो चेस्ट नॉर्मल आपको 75 सेंटीमीटर फुला के 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अभी हमारे पास स्टूडेंट है, इस तरफ देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चेस्ट तो सबको रहता है लेकिन फुला नहीं पाता है। फुलाने का तरीका देखे, आपको इस तरफ से पहले खड़ा किया जाएगा, थोड़ा सा हल्का हाथ ऊपर करे, इस तरफ से आपको रखनी है। डिसिप्लिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन टी आर्मी के लिए बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा पहले बता रहा हूं, लेकिन पोस्ट इतना खास नहीं है, उसके बावजूद भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। देखो, आपके अंदर क्वालिटी है तो आपको कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया के अंदर, बस आपके अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, अगर इस तरफ से रखेगा तो आपको जो चेस्ट जो मापतुल किया जाएगा, ये जो निप्पल की नीचे से चेस्ट मापतुल किया जाएगा, आप देख सकते हो, इस तरफ से रखा जाएगा। अब इनका है चेस्ट है नॉर्मली 85। अब इनको 5 सेंटीमीटर किसी भी हालत में फुलाना चाहिए, 70 हो, 80 हो, 90 हो, लेकिन 5 सेंटीमीटर कंपल्सरी फुलाना है। चलो, रेडी 85। अब 93, एक बार जोरदार तालियां। तो साथियों, 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है इस तरफ से, बिल्कुल पूरा एकदम अंदर का जो है बिल्कुल खाली कर देना, उधर नॉर्मली बॉडी मास दिखा देना, नहीं तो आपको उधर फेल कर देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, टी आर्मी में जो रैली हो रहा है, टी आर्मी जो रैली हो रहा है, ये अगले महीने फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। तो एक ही चीज कहना चाहूंगा मैं आप लोगों को, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट आपके ऊपर सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी डॉक्यूमेंट के ऊपर स्पेशल में वीडियो बना चुका हूं, आप वॉच कर सकते हो। और इसके अलावा मैं कल और एक टी आर्मी के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, डॉक्यूमेंट ब्लैक बोर्ड जो हमारे पास बोर्ड आता है, बोर्ड में लिख लिख के एक एक पॉइंट बता दूंगा। और दो पॉइंट और एक लास्ट है, जो ओपन वाला है, बार बार फोन आ रहा है, ओपन वाला बच्चे है, उनको किसका सिग्नेचर चाहिए? तो साथियों, एजुकेशन ऑफिसर की सिग्नेचर चाहिए, आपकी जो मार्कशीट और आपकी जो एडमिट कार्ड और आपकी सर्टिफिकेट में साइन करने की जरूरत नहीं। जो 8 पास वाला बच्चे, इनके लिए मार्कशीट और आपकी जो जो टीसी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसमें साइन होगा ओरिजिनल, ठीक है, जो 8 पास वाला। और जो ओपन से 10वीं पास किया है, उनके लिए सिर्फ एक लेटर बनेगा, इसमें वेरीफाई करेगा, चेक करके जो ये ओरिजिनल डुप्लीकेट है क्या, चेक करके बारकोड होगा, इसमें स्कैन करके चेक कर सकता है, यार कंप्यूटर में चेक करके साइन करके दिएगा एजुकेशन ऑफिसर, हाँ ये आप एलिजिबल हो, आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, जो ओपन वाला बच्चों के लिए बता रहा हूँ। या शायद आप लोग क्लियर हो गया। और जो 10 पास 8 पास वाला को बता दिया मैंने, मार्कशीट और टीसी में दोनों में ओरिजिनल साइन होगा, जो एजुकेशन ऑफिसर का होता है, ठीक है, शायद आप लोग का डाउट क्लियर हो गया। अब मैं बताऊंगा जो बच्चे रैली में जाने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स को जेरोक्स करनी है, और जेरोक्स को दो दो पार्ट बनानी है, और एक फाइल होगा, फाइल में भर के ले जानी है वो भर्ती में। बाद में ये नहीं बताना सर ये नहीं बताया वो नहीं बताया, और मैंने भी बता दिया हूँ, अनमेरिट सर्टिफिकेट, मेरिट सर्टिफिकेट, सारे डिटेल ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, क्लिक करते मिल जाएगा, नहीं तो हमारे 3 नंबर वाला वीडियो चेक कर सकते हो। तो साथियों, आप लोगों ने देख लिया, चेस्ट मेजरमेंट बता दिया, हाइट मैंने बता दिया, और इसके अलावा कोई क्यूरी है आप कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। तो साथियों, इसका वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, इस वीडियो को अच्छा लगा सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। अल एक बार बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।